एक समय था जब हमारे समाज की महिलाओं को सभाओं में जाना तो क्या अपने यहाँ पर भी पदे में रहना पड़ता था। और ये बड़े गर्व की बात है कि आज इतनी बड़ी सभा में हमारी माताएं और हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं और अपनी बात कह भी रही हैं और सुन भी रही हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम सभी को पता है कि गांव गजराला में एक जो आज एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया जा रहा है, तो पुस्तकालय का बहुत बड़ा महत्व होता है अपने में। इतना बड़ा महत्व होता है कि आज यदि ये देवेंद्र कुमार आपके सामने कुछ कह रहा है तो डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय जो गांव सराय में कभी सन 1978 में बना था उसी की बदौलत आपके सामने यहां पर ये बात कह रहा है। तो इतना बड़ा योगदान होता है पुस्तकालय का। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, संस्थाओं का कितना बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में वो आप अभी शायद नहीं जान पाएंगे। आप संस्थाओं का महत्व देखिए, इन संस्थाओं का महत्व ही है जो आज एक व्यवस्था विशेष के लोग हम सभी पर राज कर रहे हैं। यदि हमारे पास भी वो संस्थाएं होती तो हम भी उतना ही सम्मान और उतना ही, यानी ये कहा जा सकता है कि हम भी उतना ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व और धार्मिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर सकते थे जितना कि दूसरे लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर एक बात, मैं अपनी बात शुरू करूं। सबसे पहले जो मैं सोच रहा था कि अपनी बात कहाँ से शुरू की जाए, तो मैं केवल एक बात यहाँ से बताना चाहूंगा कि यदि हमको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को समझना है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को समझने के लिए हमें याद करना होगा वो 25 नवंबर 1949 का भाषण। यानी यदि आपको बाबा साहब को समझना है तो बाबा साहब को कंक्लूजन से समझना पड़ेगा, उपसंहार से समझना पड़ेगा, उपसंहार से शुरू करना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में बाबा साहब आएंगे, अन्यथा बाबा साहब आपकी समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि उस समय बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था, उन्होंने तीन बात बताई थी। तीन बातों में से सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो जरूरी है, उन्होंने कहा था कि देखिए जो भक्ति पूजा है वो धार्मिक क्षेत्र में कल्याणकारी हो सकती है, धार्मिक क्षेत्र में आपको मुक्ति का मार्ग दे सकती है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भक्ति पूजा कभी भी आपका उद्धार नहीं कर सकती। देखिए मैं ये कहता हूं कि यदि आप पर किसी ने उपकार किया है, आप पर उपकार किया है, तो उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहो, उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहो। लेकिन कृतज्ञ का मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी स्वतंत्रता को ही पूर्णतया निछावर कर दें। एक बिहार का मंत्री है जो इस बात को कहता है कि मैं जो आज हूं केवल बीजेपी की मेहरबानी से, मैं राजनीतिक चर्चा यहां पर नहीं करूंगा, मैं बीजेपी की मेहरबानी से हूं, और वो आज भी अपना दिमाग बुद्धि सब कुछ खो करके बीजेपी के जूता अपने सर पर ढो रहा है। तो हमको ऐसे नेता की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा नेता नहीं बनना है, आपको एक विवेकशील नेता बनना है। तो सबसे पहले आप कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, अपने किसी के भी सामने, उस व्यक्ति के सामने अपनी जो स्वतंत्रता है, अपनी जो स्मिता है, उसको कभी भी अर्पण मत करना। क्योंकि एक उस महंत कार्य के लिए एक महिला कभी भी अपनी जो सील है उनको भंग नहीं करा सकती। एक बुद्धिमान व्यक्ति यदि उस कल्याण उस व्यक्ति के सामने कभी भी नतमस्तक नहीं हो सकता, अपनी स्वतंत्रता को कभी भी दांव पर नहीं लगा सकता। तो बाबा साहब ने कहा था कि कोई कितना ही महान से महान व्यक्ति क्यों ना हो, आप उस व्यक्ति के सामने अपनी स्वतंत्रता को कभी भी अर्पण मत करना। और इसलिए उन्होंने कहा था कि जब, जैसा कि अभी हमारे भंते जी कह रहे थे कि जब आप कहीं यदि दूसरी जगह चले भी जाओ तो अपने घर में आग लगा करके मत जाना। तो सबसे बड़ी बात है कि हम यदि कहीं दूसरी जगह में पद भ्रष्ट भी हो जाए, यदि हम किसी वजह से अपना रास्ता भूल जाए, तो यदि वो वहां से खत्म हो जाए हमारा, तो अपने रास्ते में वो अपने घर में सुरक्षित वापस आ सके।
तो भक्ति पूजा एक राजनीतिक क्षेत्र में एक मार्ग जरूर हो सकता है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कभी भी आपका कल्याण नहीं कर सकती। इसके बाद मैं एक बात जो सामाजिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बुरी लगती है मुझे, वो कि हमारे नाम हमारे आदमी की पहचान हमारे नामों से हो जाती है। तो जब भी आप अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करें, पहले जो नाम होते थे, क्योंकि आज भी वो व्यवस्था हमारे नामों पर लागू है और नाम के क्षेत्र में कहा जाता है कि हम जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग का नाम ज्ञान सूचक होने चाहिए, क्षत्रियों के नाम बल सूचक होने चाहिए, और जो वैश्य वर्ग है उसका व्यापार सूचक यानी धन सूचक होने चाहिए, और शूद्रों के नाम यानी जो पिछड़े दलित है उनके नाम निंदा सूचक होने चाहिए। और यही कारण है कि हमारे नाम किसी का कूड़े मल, किसी का सेवकदास, किसी का आधनिया, किसी का मुतनिया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, इस प्रकार के नाम धरे जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो हम इस प्रकार के नामों से हमें बिल्कुल छुटकारा पाने, और हम इस प्रकार के नाम रखें जिसका वास्तव में अर्थ हो, जिसका वास्तव में कोई एक दिशा निर्देश देता हो दूसरे लोगों के लिए। तो ये फकीरा, अगनिया, और इस प्रकार मंगल को हो गया तो मंगला, इतवार को हो गया तो इतवारी, इस प्रकार के नाम हमको नहीं चाहिए। यदि आपको अपने नाम रखने हैं तो ज्ञान सूचक नाम रखने हैं, आपको धन सूचक नाम रखने हैं, आपको बुद्धि सूचक नाम रखने हैं। और जब नाम इस प्रकार के होंगे तो दूसरे आदमी ये सोच करके बाध्य हो जाएगा कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, इसके माता पिता जरूर सजग होंगे। तो दूसरी बात यहाँ पर मैं एक बहुत और बताना चाहूंगा, वो बहुत सारे कहते हैं कि आप लोग बुद्ध आइडियोलॉजी को स्वीकार करते हैं। तो बुद्ध आइडियोलॉजी स्वीकार करना, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न सामाजिक स्तर पर जाता है कि हम लोग कि भाई अब ये बुद्ध हो गया तो मीट मांस तो खाता नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि साथियों, जो आपको अपने शरीर के अनुसार अच्छा लगे, जो आपको अपने विवेक के अनुसार अच्छा लगे और अपने बुद्धि को ऊंचा कर दे, इस प्रकार का भोजन आपको करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मीट मत खाओ, आप मछली मत खाओ, आप ये मत करो, आप वो मत करो, मैं इस विषय पर अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे सीधे ये बताना चाहता हूँ कि जो शरीर को आवश्यकता है, उन शरीर को मादक पदार्थों को छोड़ करके उन सभी पदार्थों को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी बुद्धि का, हमारे मन का वास्तव में विकास हो सके। इसके साथ साथ मैं एक बात यहाँ पर और बताऊंगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही लिखा मैंने, ज्यादा नहीं लिखा। इसके बाद जो सबसे बड़ी जरूरी है कि हमको एक राजनीतिक क्षेत्र में हमको जागरूक जरूर होना है। कहते हैं कि लोकतंत्र में केवल 5 साल में 1 दिन वोट देकर के चले गए और हमारा कल्याण हो गया। साथियों, वोट देना बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट देना जरूरी है, लेकिन जो आप वोट दे रहे हो उससे एक बात अपने दिमाग में जरूर रख लो कि जिस आदमी को आप वोट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उससे प्रश्न जरूर पूछ लेना, क्योंकि राजनीति केवल पार्लियामेंट में नहीं होती, राजनीति होती है चौक चौराहों पर, राजनीति होती है पत्र पत्रिकाओं में, राजनीति होती है बड़े बड़े मंचों से। तो राजनीति प्रत्येक दिन 365 दिन वर्ष में होती है, लेकिन मत का इस्तेमाल केवल वर्ष में 5 साल में 1 बार होता है। तो उस मत का इस्तेमाल अपने जीवन में अच्छी तरीके से करना, और क्या करना है, कैसे करना, यदि कोई आपके पास आता है, बाबा साहब ने जो व्यवस्था भारतीय संविधान में कर दी है, यदि कोई आपके सामने आता है तो आपसे सीधे सीधे उनसे सवाल कीजिए, उनसे पूछिए, क्या 5 सालों में हमारे लिए पानी की व्यवस्था की, क्या 5 साल में आपने हमारे लिए विद्यालय की व्यवस्था की, क्या 5 साल में आपने हमारे लिए रोड की व्यवस्था की, किसानों के लिए जल की व्यवस्था की, क्या आपने हमारे जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको तोड़ने के लिए आपने कोई व्यवस्था की, हमारे लिए कितने विद्यालय आपने खुलवाए। यदि हम ये सवाल उनसे करेंगे तो निश्चित हमारी समस्याओं को वो निश्चित ही हमारे पार्लियामेंट में उठाएगा, और जब पार्लियामेंट में उठाएगा तो उस पर कानून बनेंगे। और यदि कोई इस प्रकार के लोग आपसे पूछ रहे हैं तो उनसे आप सीधे सीधे पूछिए कि जब दलितों के साथ अच्छा अन्याय अत्याचार हो रहा था तो कब आप कहां थे, जब ऊना हो रहा था, जब सहारनपुर हो रहा था, तब रोहित बेमूला हत्याकांड को फांसी लगाने के लिए आत्महत्या
पैदा करने के लिए मजबूर हो रहा, तो क्या आपने उन लोगों की समस्याओं को पार्लियामेंट में उठाया? और यदि उठाया तो हमें उसका एविडेंस दीजिए, उसकी बताइए पार्लियामेंट में कितने सवाल उन पर किए। जब वो लोग आप लोगों के पास वो आएगा, तो भविष्य में इस प्रकार की जब घटना होंगी तो निश्चित आपकी बात को पार्लियामेंट में उठाएगा, और जब पार्लियामेंट में ये बात उठाई जाएंगी तो निश्चित ही आप लोगों के लिए कानून बनेंगे जिससे आप लोगों को एक नई दिशा और दशा मिल सकेगी। इसके साथ साथ मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगा, वो जो सबसे ज्यादा महत्व की रखती है कि हमको, हम लोग कहते हैं कि हमने दिवाली मनाना छोड़ दिया, हमने होली मनाना छोड़ दिया, हमने ये करना छोड़ दिया, लेकिन प्यारे साथियों ये बात बहुत अच्छी बात है कि हमने ये काम करना छोड़ दिया। महिलाओं ने मांगों में अपना सिंदूर भरना छोड़ दिया, मांगों महिलाओं ने अपनी पर्दा प्रथा को छोड़ दिया, सामाजिक बुराइयों को छोड़ दिया, इन सब को छोड़ दिया, लेकिन ठीक है हमने उन सब के स्थान पर यदि हम जागरूक हैं, आप लोग जागरूक हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे भी जागरूक हो, और यदि वो बच्चे जागरूक नहीं हुए तो वो लोग भी वही पहुंच जाएंगे जहां से आप उठकर चले थे, तो इस समाज इसके फिर फायदा क्या हुआ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अष्टमी मनाएं, अपने घर में रोजाना की बुद्ध वंदना करें, बच्चों को इसका महत्व बताएं, बाबा साहब के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मैं अध्यापक हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं निश्चित ही जितनी भी क्लास आपको लेने ही है, जितनी भी मुझसे आप कहोगे, मैं निश्चित ही 24 घंटे आपके लिए तैयार रहूंगा। ये बताइए कि हमको आपको इस विषय पर पढ़ाना है, और निश्चित ही मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए, आपने मेरी बात सुनी, जय भीम, नमो बुद्धाय।